हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अब तक का सबसे बड़ा बयान दोस्तों कश्मीर और पीओके के लोगों को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसी श्रीनगर जम्मू इंडिगो फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी एरिया में रही 15 मिनट तक ये फ्लाइट, बताएंगे अचानक ये हुआ कैसे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर बराक ओबामा को अब राजनाथ ने भी दे दिया है करारा जवाब और पाकिस्तानी फौज को चोर चोर चिल्लाने लगी पीओके के लोग। सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि हर भारतीयों का यह धर्म है कि वो भारत की अखंडता भारत का संप्रभुता का सम्मान करे। तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की जहां पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा और पीओके की जनता भी भारत में शामिल होना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर पीओके के कश्मीर को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने से उस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि पीओके को लेकर भारत की संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है और पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया मान चुकी है कि पीओके पर पाकिस्तान का गैर कानूनी और अवैध कब्जा है। पाकिस्तान की सरकार पीओके की जनता पर जुल्म और अत्याचार कर रही है। जब वहां रहने वाले लोग देखते हैं कि भारत के लोग सुख और चैन से रह रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि यहां से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हट जाए और वे भी भारत में शामिल हो जाएं। जी हां, जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज भारत का मान और सम्मान दुनिया भर में हो रहा है। भारत की बात को प्राथमिकता दी जाती है, इसको देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लगती है। भारत की बढ़ती साख को देखते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों का एक ही रटा रटाया बयान आता है कि भारत का ये कश्मीर से दुनिया का ध्यान हटाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि कश्मीर से दुनिया का ध्यान हट चुका है क्योंकि अब ये सब मान चुके हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह ने क्लियर कह दिया है कि कश्मीर का रट लगाकर आप लोगों का कुछ नहीं होगा, कृपया करके अपना घर संभालिए, आपका घर उजड़ रहा है। मैं पाकिस्तान की सरकार को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा, अपना घर संभाल लीजिए। जिस तरह के हालात वहां है उसमें कुछ भी जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर, क्योंकि पीओके की जनता भी ये चाहती है कि वो भारत में शामिल हो जाए और पाकिस्तान ने ही जबरदस्ती उनको एक तरीके से पीओके में बंधक बनाकर रखा हुआ है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये पीओके का मुद्दा पूर्ण रूप से गर्म हो चुका है यानी लोहा गर्म और भारत को हथौड़ा मार देना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा पीओके कश्मीर को लेकर। देखते हैं इस पर हर भारतीयों का क्या राय है दोस्तों। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर हमेशा की तरह, ताकि हर कोई पाकिस्तान के इन करतूतों को समझ सके और पीओके पर अपनी राय रख सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां खराब मौसम का गहरा असर पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसी श्रीनगर जम्मू इंडिगो फ्लाइट। जी हां, पाकिस्तानी एरिया में रही 15 मिनट तक, बता दें खराब मौसम के कारण इंडिगो की श्रीनगर जम्मू फ्लाइट नंबर 6E2124 रविवार को पाकिस्तान एयर स्पेस में घुस गई। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट दूसरी बार पाकिस्तानी एरिया में घुसी है। इसके बाद फ्लाइट की अमृतसर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। 2 सप्ताह पहले भी इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट पाकिस्तान चली गई थी। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर 3:36 पर श्रीनगर से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2124 ने जम्मू के लिए उड़ान भरी थी। 28 मिनट के बाद यह फ्लाइट मौसम खराब होने के कारण जम्मू कश्मीर से कोट जमैल के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई। करीब 5 मिनट तक यह फ्लाइट पाकिस्तान एयर स्पेस में घूमती रही और सियालकोट होते हुए जम्मू की तरफ बढ़ गई। जम्मू में भी खराब मौसम था, इससे वहां भी फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी। इसके बाद फ्लाइट ने अमृतसर का रुख किया। शाम 4:15 के करीब ये फ्लाइट दोबारा पाकिस्तान सीमा में दाखिल हुई। जी हां, जम्मू के कड़ियाल कला से दाखिल यह फ्लाइट तकरीबन 2:25 पर अमृतसर में अजनाला के काकड़ गांव से भारतीय सीमा में लौट आई। जी हां दोस्तों, एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट के पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाने से पहले दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई। यह फ्लाइट डायवर्जन जम्मू और लाहौर की देखरेख में हुआ। इंडिगो फ्लाइट ने लैंड होने से पहले 9 बार अमृतसर एयरपोर्ट के चक्कर लगाए। इसके बाद फ्लाइट को लैंडिंग की अनुमति दी गई और फिर इसे कैंसिल कर दिया गया। जी हां दोस्तों, ये दूसरी बार है जब भारत की श्रीनगर जम्मू इंडिगो फ्लाइट पाकिस्तान की सीमा में चली गई थी। जी हां दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ जहां पर प्रधानमंत्री
मोदी जी के अमेरिका दौरे को लेकर इमरान खान ने कह दिया ऐसा झूठ कि खुद के ही लोग कहने लगे ये तो पागल हो गया है इमरान खान। जी हाँ, बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान इन दिनों सेना से बगावत करने के बाद मुश्किलों में है। हालांकि वो समय समय पर वीडियोज जारी करके पाकिस्तान सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच इमरान खान का झूठ बोलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही वो पाकिस्तान सरकार की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। इमरान खान की वीडियो को लेकर यूजर्स कह रहे हैं कि उन्हें ये झूठी वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि वीडियो में इमरान खान कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर बयान देखा, उनके अंदर सुपर पावर का साझेदार होने का घमंड आ गया है। यही वजह है कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी की तो बात ही ना करो, वो अपने ही बोझ से उबर नहीं पा रहा है, पाकिस्तान अपने बोझ के कारण खत्म हो रहा है। इमरान खान ने आगे कहा कि ये बयान पीएम मोदी ने तब दिया जब वो अमेरिका के दौरे पर थे। वीडियो में इमरान खान ने कहा कि पीएम मोदी जब अमेरिका दौरे पर गए थे तब भारत और अमेरिका की कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर डील हुई थी, ऐसे में भारत पाकिस्तान को हीन भावना से देख रहा है। इमरान खान आगे कहने कि मैंने 20-25 साल पाकिस्तान के बाहर कमाई की है, लेकिन मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, मेरी कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, मेरा जीना मरना सब पाकिस्तान में ही है। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यह झूठा बयान दे रहा है दोस्तों, ऐसे में जनता भी उनको करारा जवाब दे रही है और कह रही है कि ये आदमी पागल हो गया है। वीडियो पोस्ट करते हुए मुर्तजा सोलंकी ने क्लियर लिखा है कि ये आदमी पागल हो गया। बहरहाल दोस्तों इमरान खान के इस झूठे बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों, आपके एक एक कमेंट को पढ़ा जाएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां शहबाज शरीफ ने महिला से बारिश में ले लिया छाता तो पाकिस्तानी ने कहा जिस प्रधानमंत्री की अपने देश में ही इज्जत नहीं है वो बाहर क्या इज्जत पाएगा। जी हां, उसका काम ही है बदनामी करवाना। बता दे हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फ्रांस के दौरे पर गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से हुई थी। हालांकि इस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर शहबाज शरीफ की खूब फजीहत हुई। उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक महिला के हाथों से छाता छीन लिया था। इसी पर पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने पाकिस्तान के अवाम से राय जाननी चाहिए। पाकिस्तान की महिला वर्ग ने शहबाज शरीफ का छाता छीनने वाले हरकत को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ये दिखता है कि उनकी मेंटेलिटी कैसी है, उन्होंने न सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाई बल्कि पाकिस्तान की भी इज्जत नहीं की। एक महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं है। एक महिला ने कहा कि शहबाज शरीफ के बारे में बात करते हुए कि उनकी इज्जत खुद पाकिस्तान में कोई नहीं करता, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में महिला ने कहा कि उनकी हर जगह इज्जत होती है, वो जहां भी जाते हैं उन्हें गिफ्ट मिलते हैं, उनकी इज्जत उनका सम्मान होता है। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि शहबाज शरीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी कीमत पर कंपेयर के लायक नहीं है, और मोदी जी को शहबाज से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अब इतने आगे निकल चुके हैं कि उनका किसी के साथ भी कंपैरिजन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी और मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बराक ओबामा को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया है। जी हां दोस्तों, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया करारा जवाब। बता दे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर उनकी भारत के मुसलमानों की सुरक्षा पर की गई टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने सोमवार 26 जून को कहा कि ओबामा जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व में रहने वाले सभी लोगों को भी परिवार का सदस्य मानता है। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम देशों पर हमला किया है। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम में कहा कि अब मुस्लिम देश भी मानते हैं कि आतंकवाद अस्वीकार्य है। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बराक ओबामा को करारा जवाब दिया था। बहरहाल दोस्तों आप एक भारतीय होने के नाते क्या जवाब देना चाहेंगे बराक ओबामा को, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां पर चोर फौज पाकिस्तान की कातिल फौज जैसे लगे तगड़े वाले नारे, पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, जोरदार नारेबाजी की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपको सबसे पहले हम अपने चैनल पर बताने वाले हैं। बता दे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी हो रही है। यहां की जनता का कहना है कि युद्ध विराम रेखा पर मौजूद जिहादी तत्वों की वजह से उनकी जिंदगी खतरे में आ गई है। जनता की माने तो पाकिस्तान की आर्मी यहां के निर्दोष लोगों की जाने ले रही है और सारा दोष भारतीय सेना पर मढ़ रही है। इसका एक वीडियो भी ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है दोस्तों। पीओके में इस तरह के प्रदर्शनों का होना कोई नई बात नहीं है, हर बार सेना के खिलाफ और उसके अत्याचारों
के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन होते रहते हैं। जो वीडियो ट्विटर पर जमकर शेयर हो रहा है उनसे पता लगता है कि पीओके में युद्ध विराम रेखा पर लोग पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जो नारे लगाए जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, कातिल फौज पाकिस्तान की, बातिल फौज जालिम फौज, जाबेर फौज पाकिस्तान की कातिल फौज, चोर फौज पाकिस्तान की कातिल फौज, कश्मीरियों की कातिल फौज पाकिस्तान की बातिल फौज, ये सबसे अहम है। यहाँ के निवासियों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर दोष मढ़ने के लिए तेरी नोड में निर्दोष नागरिकों को मार डाला है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब पीओके के अंदर की अगर बात किया जाए तो पीओके की जनता एक सेकंड भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती है और लगातार पाकिस्तानी फौजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को लेकर अब विरोध पर उतर गई है और अपना हक मांगने की कोशिश कर रही है। दोस्तों लेकिन आपको बता दे, पाकिस्तान इतना चालाक बनने की कोशिश कर रहा है कि पीओके की हर एक जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रदर्शन के दौरान बंद कर दिया जाता है। बहरहाल इस पर अब आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या पीओके के लोगों को भारत में मिला लेना चाहिए, आप लोग क्या कहते हैं, इस पर राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। और दोस्तों आज इन खबरों के लिए जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा अगर आप भी वास्तव में भारत को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का